आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी मंडल पवई द्वारा कार्यकर्ताओं में सक्रियता लाने के लिए एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल पवई का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन की दृष्टि से जिले के उपाध्यक्ष श्री रविराज यादव जी का मार्गदर्शन एवं उद्बोधन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना के उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष श्री गुलाब सोनी, वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र लटोरिया, भवानी पटेल, पुष्पेंद्र पटेल, अरुण नगायच, मीना सोनी, माधुरी सोनी, कल्पना सेन सहित भारतीय जनता पार्टी मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मंडल के मीडिया प्रभारी श्री अभिषेक नामदेव द्वारा किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। और संगठन की बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना इसको कह सकते हैं अपन, जिससे हम लोग अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये बूथ स्तर पे गांव गांव ग्राम जा जाके लोगों की शासन की योजनाओं से अवगत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया है और आगे उनके लिए भविष्य में क्या करने वाली इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे गांव के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल क्यों 15 साल के प्रकाश देख रहे हैं आप। अभी यहां से साईनगर रोड पे आएंगे जाएंगे, मैं छोटे का याद है पुरैना पड़ता था आदरणीय के गाँव के पास, तो वहाँ पे इंदिरा आवास नाम की कुछ कुटीरें आया करती थी, आज टूटी पड़ी हुई है। आज हम लोग एक गांव में 400 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, आयुष्मान योजना के तहत इलाज करा रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं। ऐसी अनगिनत योजना है जिससे आज मध्य प्रदेश का कोई भी हितग्राही अछूता नहीं है और लगातार विकास के कार्य आज हम लोग कर रहे हैं। जब जाके आप ये देखिए ना, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो ना तो कन्या विवाह के पैसे दे पाई, ना प्रधानमंत्री आवास की किस्तें दे पाई। जो 14,000 आवास प्रधानमंत्री आवास आए थे और जैसी कांग्रेस की सरकार आई तो वो आवास आधे कर दिए गए, 7,000 कर दिए गए, और उन्होंने कहा कि हम किस्त नहीं दे पाएंगे। यही आज ये है कि आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर पंच से लेकर सरपंच तक सब भारतीय जनता पार्टी से जो बूथ विस्तार योजना के उद्देश्य से ये कार्यक्रम था, जो जिस अपनी योजनाओं को लेकर जो हम लोग गाँव गाँव जाने वाले हैं उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था।